नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्मार्ट न्यूज इंडिया में। और इस वक्त की एक बड़ी घटना जो निकल कर आ रही है मुंबई के दादर से, बता दें आपको दादर वेस्ट में छबीला दास स्कूल के हॉल के किचन में सिलेंडर ब्लास्ट हो गया। जी हां, स्कूल में सिलेंडर ब्लास्ट होने के बाद जी हां अफरा तफरी मच गई चारों तरफ। और जी हां, बता दें इस घटना में किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई है, लेकिन तीन लोग बुरी तरह से इसमें झुलस गए हैं और फिलहाल जो है उनका इलाज बताया जा रहा है कि अभी भी सीरियस मोड में चल रहा है। बता दें ये घटना जब घटी तो उस समय काफ़ी लोग थे, और बता दें इस घटना में घायल होने वाले जो लोग हैं उनमें मधु सिंह 26 साल हु है सस्टेन, 60-70% वो जल चुकी है पूरी तरह से। जावेद अली 38 साल, वह भी पूरी तरह से इसमें जो है जो ब्लास्ट हुआ था, जो मलबा था उनके ऊपर गिरा था, उसकी वजह से उनके हेड में काफ़ी चोट लगी। और गोपाल साहू 50 साल, ये तीन लोग बुरी तरह से घायल है, फिलहाल अस्पताल में उनका इलाज किया जा रहा है। डीडी पाटिल ऑफिसर फायर स्टेशन की तरफ से वहां पर आके आग पर काबू